बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारे दांत, हमारे दांत जो है हमको जीवन में कितनी बार मिलते हैं? दो बार। लेकिन सारे दांत दो बार नहीं मिलते। कुछ ऐसे दांत होते हैं जो सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसा हमने देखो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। बच्चों में होते हैं 20। ये देखिए इसमें क्या है, दो जो है क्या है, कृदंत। आगे से दो क्या है, कृदंत है, और एक क्या है, दंतक है ना। इसको हम कृदंत को कहते हैं इंसाइजर्स, और इसको कहते हैं केनाइन, ठीक है। और ये दो होते हैं चवर्ण, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों में 20 दांत होते हैं, दो इंसाइजर, दो एक केनाइन, दो और मोलर, ठीक है। यानी कि इसमें अर्ध चवर्णक नहीं है। बच्चों में क्या होता है, अग्र चवर्णक नहीं है, ठीक है। जब ये बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो इसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, है ना। 6 महीने का होता है दांत निकलना शुरू होता है, और 6 साल का होता है तो दांत टूटना शुरू होते हैं। जब दांत टूटते हैं तो इसके जगह पे दूसरे दांत आते हैं, ठीक है। और ये वाले जो दांत जब टूटते हैं, ये जो चवर्णक है ना, ये जब टूटते हैं तो इसके जगह चवर्णक नहीं आते हैं, बल्कि इसके जगह आ जाते हैं अग्र चवर्णक। इसके जगह क्या आते हैं, अग्र चवर्णक, ठीक है। तो ये जो चवर्णक है ये बड़े में आकर के अग्र चवर्णक हो जाते हैं, और इसके बाद ये जो पीछे वाले तीन हैं, है ना, ये पीछे वाले क्या है, तीन क्या है, चवर्णक, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो छोटे बच्चों में 5, एक साइड में 5 होते हैं, जो दोनों साइड का मिला के 10 हो गया, और जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है, तो यानी कि 20 दांत होते हैं, ठीक है। और जो इसके नीचे वाले हम देखते हैं तो नीचे वाले में ये बड़े बड़ों का है ना। तो बड़ों में क्या है, इसमें देखो इसमें 10 दांत थे, यानी 20 दांत हो गए ना, 10 नीचे और 10 ऊपर, तो ये 20 दांत हो गए बच्चों के, ठीक है। और ये हमारे बड़ों के दांत हैं, तो इसमें क्या है, दो इंसाइजर्स हैं, हाँ, एक केनाइन है, दो प्री मोलर है, और 3 मोलर, ठीक है। तो इस तरह से मिला करके एक तरफ 8 हो गए, दूसरे तरफ भी 8, तो 16 हो गए। और इसके ऊपर वाला जो जबड़ा होगा उसमें भी 16 होंगे, तो कुल मिलाकर के कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखेंगे इसमें 20 है और इसमें 32 है, तो ये कितना दांत अधिक है, 12। यानी कि 12 दांत जो है हमको जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, ठीक है। हमें दो बार नहीं मिलता, दो बार हमें सिर्फ 20 दांत मिलते हैं, ठीक है। ये दांत जो 20 बच्चों में होते हैं यही फिर बड़ों में मिलते हैं, तो हमें 20 दांत वापस दो बार मिलते हैं, लेकिन हमें 12 दांत फिर से दोबारा नहीं मिलते हैं। तो हमें दांतों की क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, दांत में छेद हो जाएगा। क्यों छेद होगा, जैसे कि ये हमारा दांत है, ठीक है, इसको हमने, ये तो हमने बाहर से दिखाया, ये क्या है, इसको हमने ऐसे काट के दिखाया अंदर से, ठीक है। तो दांत का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमर, ठीक है, इनेमर बोलते हैं। और जो एकदम अंदर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं फल, ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये डेंटाइन, ठीक है। और ये जो पल्प होता है इसमें जो है नसें जाती हैं, क्या जाती हैं, नसें जाती हैं जो कि हमें सेंसेशन कराती हैं, ठीक है। हमें मतलब झंझनाहट या गर्म ठंडा सब जो लगता है वो इन्हीं नसों के कारण लगता है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे दांत इधर भी है इधर भी है, ठीक है, ये दांत लाइन से है ना, ऐसे दांत लाइन से है। अब इसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी है, है ना। अब हम जब खाना खा रहे हैं चबा रहे हैं तो कुछ खाना इसके बीच में घुस जाता है, इसीलिए कहते हैं ना कि खाने के बाद कुल्ला करो, ब्रश करो, हाँ, ब्रश करो, सारे गंदगी को बाहर निकालो, है ना। अगर हम बाहर नहीं निकालते हैं, इसमें जो है ये
कूड़ा जो है कचरा हम लोग खाने का टुकड़ा इसमें फंसा रहेगा तो क्या होगा, इसमें ढेर सारे जीवाणु पनपेंगे है ना, और वो जीवाणु निकालते हैं एसिड है ना, और वो एसिड क्या करता है हमारे दांतों को तोड़ देता है ना। इसमें क्या हो जाएगा छेद, ये क्या हो जाएगा छेद, अभी छेद हो जाएगा तो ये पानी जो हम लोग खाना खाएंगे वो खाना इसमें भी घुसने लगेगा, ये खाना इसमें भी घुसने लगेगा और धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको सड़ा सड़ा के दांत को पूरा ऐसे खत्म कर देंगे, अंदर से खत्म हो गया, इनने कुछ खाया और टक से दांत टूट गया है ना। और इसमें जब हम गर्म पानी पिएंगे तो भी क्या होगा, हमें दर्द हो, गर्म पानी ठंडा पानी आइसक्रीम मिठाई कुछ भी आप जब खाओगे तो वो उसके अंदर घुस जाएगा और हमें बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है ना। इसीलिए हमें दांतों की क्या करनी चाहिए, सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, और जो कुछ भी अगर खाए तो कुल्ला जरूर करना चाहिए दिन भर में, जैसे हमने कुछ खाया तो कुल्ली करके दांतों के बीच फंसी गंदगी को साफ करना चाहिए, ठीक है।